रहेंगे हम लोग को, हम रहेंगे बसेंगे, हम लोग को जो तबास नहीं है, नहीं रहने का घर है, हम रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो सरकार सोचे ने या तो जैसे जहाँ होगा वहाँ रहेंगे। आया है कारखाना देख के गया है, क्या बोल रहे? बोला है हो जाएगा, देंगे कुछ 6,000 गया। बहुत दर्द होता है जब अपनी आंखों के सामने अपने ही घर को ये लोग चकनाचूर होते देखते हैं। तो अभी तक भागलपुर में दर्जनों मकान कोसी नदी की भेंट चढ़ चुके हैं। जिनके बचे हैं वो अब खुद से अपना मकान तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम ईंटों को बचा लिया जाए, जिसे अगर फिर घर बनाना हो तो इस ईंट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये हम लोग को, हम रहेंगे बसेंगे, हम लोग को जो तबास नहीं है, नहीं रहने का घर है, हम रहेंगे। हम लोग को एक कमाता है, खाते हैं। काम है, काम है, बाहर में तो यहाँ घर है, देखिए कट्टी पर घर है, कहाँ जाकर रहेंगे? कहने तो रहे छोड़ अभी अब ज्यादा छोड़ी दे बताओ कट्टी गई बोल रहा है हम जार लो से की कर बताओ में कट्टी गई है देखे जे हम चाय स्टाफ है हम नहीं मिल छी है ओल्ला छ अब बंद कर दे मन नहीं कर दे हमरा घर बताए। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर जहांगीरपुर बैसी गाँव में कोसी का इन दिनों तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। वहीं गांव में अभी भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर एक तरफ जहां ग्रामीण दहशत में है, वहीं पुरुषों के साथ साथ घर की महिलाएं भी घर तोड़ने में लगी हुई हैं। पिछले साल ही गुलशन बेगम ने अपना घर बनाया था, लेकिन साल भर के बाद ही उन्हें अपना आशियाना अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं ना, प्रशासन के कोई लोग आए? कोई ना आया है, कारखाना देख के गया है। क्या बोल रहे? बोला है हो जाएगा, देंगे कुछ 6,000 गया। कोई रहा था अभी तक? ना 6,000 से हम लोग क्या होने वाला है, 6,000 से दिन गुजर जाएगा। क्या नाम हुआ? महिलाओं के आंखों में आंसू है, हो भी क्यों नहीं, बड़ी मेहनत से घर बना था और अब उसे अपने हाथों से ही तोड़ना पड़ रहा है। आशियाना तोड़ते समय हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल धक धक कर रहा है, लेकिन क्या करे, कुदरत जो ना कराए। अगर अलग जमीन होता तो वहीं घर बनाते, लेकिन यहाँ तो सब तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन लोगों का यही कहना है कि कुछ ईंट बच जाएगी तो राहत मिलेगी। वहीं लोगों का आरोप है कि अभी तक ना तो प्रशासन देखने आया है और न ही कोई जनप्रतिनिधि इनका हाल लेने आया है। मुसीबत की इस बड़ी घड़ी में किसी प्रकार जिंदगी बचाने की ये खुद जद्दोजहद कर रहे हैं। बोलता बिहार के लिए भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को फॉलो करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।